जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौर इसमें 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अच्छी एक उन्होंने बढ़त ले ली है। वहीं बात करें नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। दिल्ली की बात करें अनिल जी, तो दिल्ली में 7 में से 6 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, 1 सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। एग्जिट पोल भी यही आया था, कांग्रेस को 1 और भाजपा को 6। जी तो देखिए क्या पता उसी तरह चलता रहे आगे। दिया कुमारी आगे चल रही हैं राजसमंद से, उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा भाजपा के आगे चल रहे हैं। 25 में से 24 सीट पर भाजपा इस समय आगे है, 1 सीट पर कांग्रेस आगे है। और बहुत सारे लोग यही नतीजा प्रेडिक्ट कर रहे थे, 25 में से 24, कोई जी 25 में से 22, इसी तरह के नतीजे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। अभी के जो रुझान है वो उसी की तरफ आगे बढ़ते दिख रहे हैं इस समय। चलिए एक बार अब हम अपने दर्शकों को जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी हैं कृष्णा पूनिया, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। ग्रामीण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पूनिया राजस्थान कॉलेज पहुंचे, जहां आज मतगणना चल रही है। हमारे साथ कृष्णा पूनिया मौजूद है। किस प्रकार देखते हो शुरुआती रुझान को लेकर? अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है और फर्स्ट राउंड पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बस मेरे को ये था कि मैं अपने जो काउंटिंग एजेंट है उनके बीच में जाऊँ और एक बार वो जायजा लिया जाए। तो फर्स्ट राउंड अभी कम्प्लीट हुआ है, जिसका अभी फाइनल जोड़ भी नहीं निकला है। हमारी उम्मीदें हैं अभी जयपुर ग्रामीण की जनता से कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। पहले जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी आगे चल रही है, जयपुर ग्रामीण से ही नहीं राजस्थान की भी अधिकतर सीटों से आगे चल रही है। जी हाँ, तो मैं कह रही हूँ ना, फर्स्ट राउंड से हम अभी रिजल्ट नहीं बता सकते हैं कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। किसी राउंड में ये आगे रहेंगे, किसी राउंड में कांग्रेस आगे रहेगी, ये तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। देखिए जिस प्रकार जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उनमें बीजेपी आगे चल रही है, ऐसे में इनकी कृष्णा पूनिया कहना है कि शुरुआती रुझान को देखते हुए कुछ कह नहीं सकते, आगे इनकी कई राउंड बाकी हैं। जयपुर से कैमरामैन विजय गिरी के साथ लोकेश ओला। तो ये थी कृष्णा पूनिया, जिनका यही कहना है कि वाकई में जो अनिल जी भी लगातार कह रहे हैं शुरुआती रुझान है, इनको लेके बहुत ज्यादा एनालिसिस करना अभी उचित नहीं है। कुछ समय बाद पिक्चर अपने आप साफ हो जाएगी।